व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है, मैं एक डायबिटीज कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। मैं अपने वेकेशन पे आया हुआ हूँ मुक्तेश्वर पे। आप पीछे देख सकते हैं हिल्स, ये सारे मुक्तेश्वर का हिल्स है और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारा जगह है। अगर आप लोग कभी भी मुक्तेश्वर नहीं आए हैं तो आप लोग को ज़रूर आना चाहिए। बहुत ही प्यारा मौसम है। अभी जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 8 डिग्री के आसपास है। सुबह 2 से 4 डिग्री तक चला जाता है, बहुत ठंड होती है। और हम जो है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक को जाते हैं। तकरीबन 4 दिन से मैं लगातार मॉर्निंग वॉक जा रहा हूँ और बहुत ही फ्रेश एयर है यहाँ पे। तो अगर आप लोग मुक्तेश्वर कभी नहीं आए हैं तो प्लीज़ मुक्तेश्वर ज़रूर आइए। तो गाइज, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि लीवर को कैसे ठीक किया जाए, लीवर को हेल्दी कैसे रखा जाए, किडनी को कैसे ठीक किया जाए, आँखों को कैसे ठीक किया जाए, पेट को कैसे ठीक रखें, गैस की प्रॉब्लम ना हो वो कैसे ठीक करें। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। लेकिन पहली बार किसी भाई ने पूछा है कि पैनक्रियास को कैसे हेल्दी रखा जाए। गाइज, ये पहली बार मेरे को किसी ने पूछा है कि पैनक्रियास को कैसे हेल्दी रखा जाए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल मेरे भाई ने पूछा है, तो मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब मुझे देना चाहिए। और इसलिए मैंने सोचा है कि एक वीडियो बनाया जाए ताकि सिर्फ इस भाई को फ़ायदा ना मिले, बाकी सब लोगों को फ़ायदा मिले और सब लोगों को ये जानकारी मिले कि पैनक्रियास को कैसे हेल्दी रखा जा सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है, मैं एक डायबिटीज कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं कि पैनक्रियास को कैसे हेल्दी रखा जा सकता है। तो गाइज, पैनक्रियास को हेल्दी रखने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देके समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने पैनक्रियास जो है उसको आप अपने एक व्हीकल की तरह समझिए, एक कार की तरह समझिए। मान लीजिए कि आपके घर में जो कार है उसकी आप कैसे मेंटेनेंस करते हैं, ठीक उसी तरह आप अपने पैनक्रियास को भी अगर आप एक कार की जैसा समझेंगे तो उसको आप अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं और हेल्दी भी रख सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं सबके पास गाड़ी होगा, कैसे आप लोग उसको मेंटेन करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर आप लोग अपने गाड़ी को 15 से 20 घंटा प्रतिदिन चलाएंगे तो क्या होगा? वो कुछ सालों में उसकी ब्रेकडाउन होना निश्चित है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो अपना गाड़ी जो है 15 से 20 घंटा नहीं चलाता होगा। वो तभी चलाता है जब उसको ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए ऑफिस तक जाना है तो ऑफिस जाके अपना कार पार्क कर देते हैं और फिर ऑफिस से जब वापस आते हैं और तभी उसको इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप छुट्टी में जा रहे हैं तो छुट्टी में जब जाते हैं तब 15 से 20 घंटा भी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयर ओकेशन होता है। लेकिन ऑन ए रेगुलर बेसिस आप लोग अपना गाड़ी जो है रेगुलर नहीं चलाते हैं और उसी तरह जो है आपकी कार जो है अच्छी तरह से मेंटेन रहता है, आप सालों साल उस गाड़ी को चला सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी को लगातार 15 से 20 घंटे अगर रोज़ चलाएंगे तो कुछ सालों में ही वो जवाब दे जाएगा, उसकी इंजन ख़राब हो जाएगी और आपको एक नया गाड़ी लेना पड़ेगा। तो गाइस, ठीक उसी तरह आप अपने पैनक्रियास को भी अपनी गाड़ी की तरह ही समझिए। आप अपने गाड़ी को जैसे कि 15 से 20 घंटा नहीं चलाते हैं तो सिमिलरली अपने पैनक्रियास को क्यों उतना लोड देते हैं? जब मैं लोड की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर पैनक्रियास का फंक्शन क्या है। तो गाइस, पैनक्रियास का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो है इंसुलिन रिलीज करना। और इंसुलिन से ही जो आप खाना खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होके जो उसका ग्लाइकोजन है उसको बाकी सेल्स में पहुंचाता है, और बाकी सेल्स में जब पहुंचाता है तब आपको वहां से एनर्जी मिलती है, और वहां से जब आपको एनर्जी मिलती है तब अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ आप करते हैं। तो बेसिकली इंसुलिन का यही रोल है कि ग्लाइकोजन को सेल तक पहुंचाना और फिर वहां से आपको एनर्जी मिलना। लेकिन दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पूरा दिन भर खाते रहते हैं, और जब आप दिन भर खाते रहते हैं 15 से 16 घंटे आप लगातार कुछ ना कुछ खा रहे हैं, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे हैं, जब आप सारे टाइम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो आपका पैनक्रियास जो है वो लगातार काम करता रहता है, वो लगातार इंसुलिन रिलीज करता रहता है। और इसी की वजह से
कुछ सालों में आपका पेनक्रियास जवाब दे जाता है, आपका बीटा सेल्स जो इंसुलिन रिलीज करता है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, और तभी आपको डायबिटीज होता है क्योंकि आपका बॉडी जो है इंसुलिन ठीक तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, या प्रोड्यूस भी कर रहा है तो ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो गाइस, सबसे पहले जैसा मैंने आपको समझाया है कि अपने पैनक्रियास को एक गाड़ी की तरह समझिए, जैसे कि आप लोग अपनी गाड़ी को 14 से 15 घंटे नहीं चलाते हैं, वैसे ही अपने पैनक्रियास को 14 से 15 घंटे काम करने के लिए मजबूर ना करें। खाना कम खाए, जितना खाना आप कम खाएंगे उतना आपका पैनक्रियास जो है हेल्दी रहेगा, उतना आपका पैनक्रियास पे लोड कम पड़ेगा। तो गाइस, मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। अगर आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आप अपना पैनक्रियास को हेल्दी रख सकते हैं, अपना पैनक्रियास को लंबा समय तक दौड़ा सकते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली क्या होता है, बहुत तरह का इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है, लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो है 16/8। बेसिकली 16/8 का मतलब होता है कि आप 8 घंटे के पीरियड में सिर्फ खाना खाइए और बाकी 16 घंटे जो है वो आप खाना ना खाएं। 16 घंटे जब आप खाना नहीं खाएंगे तब आपके पैनक्रियास पे लोड नहीं पड़ेगा, उसको रेस्ट मिलेगा, और बाकी 8 घंटे जो खाना खाएंगे तभी आपका पैनक्रियास जो है काम करेगा, लेकिन 16 घंटे उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। गाइस, अगर आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब तो हमने ये जान लिया है कि हमें अपने पैनक्रियास को ज़्यादा लोड नहीं देना है, एक इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर हम फॉलो करेंगे तो हेल्दी रहेगा। लेकिन इसमें भी आपको एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि मान लीजिए आपका गाड़ी है, आपने 18 घंटे तो नहीं चलाते हैं, 2-4-5 घंटे 6 घंटे ही चला रहे, लेकिन अगर आप उसमें जो ऑयल डालते हैं अगर वो मिलावटी ऑयल डालेंगे या फिर अच्छे ऑयल नहीं डालेंगे तो फिर क्या होगा, तो भी आपके गाड़ी का इंजन ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आपके गाड़ी में आप लोग हमेशा प्रीमियम से प्रीमियम तेल डलवाते हैं ताकि आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो सही सलामत रहे। उसी तरह आपके पैनक्रियास भी तभी सलामत रह सकता है जब आपके अंदर जो आप खाना डाल रहे हैं वो सही तरीके का खाना डालें, जैसे कि हेल्दी खाना डालना है आपको अपने अंदर। और हेल्दी खाने का जब मैं बात करता हूँ तो आपको भरपूर मात्रा में सब्जियाँ खाना है, फल खाना है, इस तरह के जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है जैसे सीड्स एंड नट्स हो गया, ये चीज़ जब आप खाएंगे तो आपका पैनक्रियास बहुत हेल्दी रहेगा। और आप लोगों को हमेशा प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, ये सारे जंक फूड जितने भी है वो जब तक आप लोग अवॉइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे चीज़ जो है वो गंध है, और ये गंध जब आप खाएंगे तो आपका पैनक्रियास कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता है। तो आप लोग को ये सारे प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड अवॉइड करने पड़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं मानता हूँ कि अगर आप लोग अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं और या फिर आपको डायबिटीज़ ना हो तो आपको शुगर, प्रोसेस्ड शुगर, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, इस तरह के सारे चीज़ जो है आपको अवॉइड करने पड़ेंगे, इस तरह के सारे चीज़ आपको बंद करने पड़ेंगे, तभी आप अपने पैनक्रियास को जो है वो हेल्दी रख सकते हैं। तो गाइज, हमेशा ध्यान रखना, अपने पैनक्रियास को एक अपनी व्हीकल की तरह समझना, अपने व्हीकल को जैसे आप लोग मेंटेन करते हैं उसी तरह अपने पैनक्रियास को भी आप लोग मेंटेन कर सकते हैं। ये चीज़ जब आप दिमाग में रखेंगे तो आपका पैनक्रियास कभी भी ख़राब नहीं हो सकता है और आपको कभी डायबिटीज़ भी नहीं हो सकता है। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपना पैनक्रियास को कैसे सही सलामत रख सकते हैं, कैसे हेल्दी रख सकते हैं। ये कुछ चीज़ों के बारे में अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपना पैनक्रियास को बहुत ही हेल्दी रख सकते हैं और आपको कभी डायबिटीज़ भी नहीं होगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए उन सभी लोगों से। मुझे उम्मीद है कि जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, तो शेयर करना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।